पूरी नंबर प्लेट ख़राब हो रही है। एक तो ये यहाँ किसी ने इतने बड़े बड़े स्क्रैच मार दिए, पता नहीं 2-3 दिन से बाहर खड़ी थी सारी, आगे से सब खराब हो रहा है इसमें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। रात हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मैं एक वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, तो वो थोड़ा लेट हुई बट हो गई फाइनली, वो कंप्लीट हो गई। और इस वजह से आज सुबह थोड़ा लेट हो गया, 9 बज रहा है इस समय, बट कोई बात नहीं, आज थोड़ा तो लेट हो गया, कोई चलता है वो। तो सबसे पहले उठ के फ्रेशन अप होते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं और अपने काम हैं एक दो वो भी करते हैं। और मुझे एक दो चीज़ें ठीक भी करानी है। मैं बता रहा था पिछले व्लॉग में कि मेरी बाइक ख़राब हो रखी है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई, जबकि अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी, बट यार क्या करें, कोई बात नहीं, बट अब ठीक करा लेंगे पहले उसे, पर पहले चल के फ्रेशन अप हो लेते हैं। अरे यार, मैं टीवी देखने बैठ गया था और मुझे ये भी ध्यान नहीं, मुझे सुबह 10:30 बजे डॉक्टर के जाना होता है, वो जल्दी से निकलता है, लेट हो चुके, 10:30 तो हो चुका, और मैं टीवी देखने बैठ गया था तो पता नहीं चला टाइम का। चलो पहले वहाँ चलते हैं। देख लो कितनी तेज हो रही है भाई, इतनी खतरनाक भीड़ हो रही है ना, बहुत खतरनाक। एक तो आज मैं वैसे ही बहुत लेट हूँ और ऊपर से देख लो ट्रैफिक, बहुत खतरनाक ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं 11 बजने वाला है ऐसे। भाई अपनी थेरेपी तो हो चुकी, अब घर चलते हैं सीधा। तो लो भाई, हम डॉक्टर के यहाँ से तो आ गए, तो अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक काम करना है आज। क्या? कि अपनी बाइक ठीक कराने चलना है। तो भाई अपना नहाएंगे भी आज आके, नाश्ता भी बाद में करेंगे, तो अपना पर्स निकाल लेते हैं और बाइक ठीक कराने चलते हैं, क्योंकि यार बाइक ख़राब हो रही है, अब अच्छा नहीं लगता उसे ऐसे ले जाते हुए। तो चलो पहले बाइक ठीक करा के चलते हैं। तो चलो दिखाता हूँ मेरी बाइक में क्या क्या ख़राब हो रहा है, उसके बाद ठीक कराते हैं उस सबको। पूरी नंबर प्लेट ख़राब हो रही है। एक तो ये यहाँ किसी ने इतने बड़े बड़े स्क्रैच मार दिए, पता नहीं 2-3 दिन से बाहर खड़ी थी सारी, आगे से सब खराब हो रहा है, एक तो इसमें पानी भर रहा है, ये भी उस पर दोबारा से टेपिंग करानी पड़ेगी सारी, और पूरी सीट कवर पूरा ख़राब हो रहा है ये पता नहीं धूप में खड़े होने से क्या हो गया, बट अब इसे चेंज कराते हैं सबको, तो उसको ले कर चलते हैं पहले। पर्स अंदर ही रह गया, पर्स लेके आना पड़ेगा पहले। बिल्कुल ठीक हो जाएगी अपनी बाइक आज, ये बढ़िया लग रहा है इसमें तो। ये क्या चीज़ है भैया? ये जो कार में रखने का चल रहा है ना डैशबोर्ड। अच्छा, और इसमें और भी होंगे? ये सारे हैं, और भी हैं ये काम। अपनी बाइक तैयार हो रही है, बस थोड़ा सा काम रह गया, ये पूरा हो जाए बस, एक गलती रह गई इसकी। मेरा तो भाई अपनी बाइक तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से, वैसा थोड़ा सा काम रह गया, मैं पूरा करके घर निकल गया फिर सीधा। बाइक का नंबर भी आ गया है, अपनी बाइक ओली ठीक है, अब चल रहे घर, जल्दी से घर निकलते हैं, जान देखो कितना खतरनाक हो रहा है। तो भाई अपनी बाइक तो बिल्कुल ठीक हो गई, बढ़िया एकदम मस्त हो गई, अब सीधा घर आ गए हम भी। घर आके अब सबसे पहले नहाएंगे क्योंकि सुबह से नहाए नहीं। देखो गद्दी वद्दी सब चेंज हो गई इसकी, बढ़िया। सुबह से नाश्ता भी नहीं करा, बाइक की अपनी बाइक ठीक करानी है, अब बाइक भी ठीक हो गई, मस्त हो गई एकदम, पूरा काम हो गया बाइक का, जो भी होना था बाइक की मैंने पूरी सब चीज़ चेंज करा दी, जो ख़राब हो रही थी और जो टेपिंग उतर रही थी वो भी सब ठीक हो गई, बढ़िया हो गई एकदम, मस्त हो गई वो तो। और एक दो काम और हैं, अब सबसे पहले तो नहा लेते हैं क्योंकि नाना भाई सुबह से नहाए नहीं,
तो सब पसीना पसीना हो गया इतनी देर बाहर और कुछ खाया भी नहीं, तो सबसे पहले तो कुछ खाएंगे, बहुत बहुत तेज भूख लग रही है। चलो भाई 2 बज गए और अब जाके हम नहाए हैं सुबह से, क्योंकि काम कर रहे थे, बाइक ठीक करा के आए और अब जाके कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। देखते हैं मम्मी से, वैसे तो मैंने जब कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था तो मकेंस बनवाए हैं, मकेंस कर लिए, जल्दी दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अब मकेंस खा लेते हैं फिर खाने के बाद। चीज़ वाले हैं कौन चीज़ वैसे? बाहर से खाने से अच्छा है घर पे बना लो, बढ़िया रहते हैं। बाहर पता नहीं कैसे तेल में रहते हैं और बहुत बढ़िया बनते हैं। अच्छा खासा चीज़ है इसके अंदर, पूरा भरा हुआ चीज़ और कॉर्न भरे हुए हैं इसके अंदर। भाई पेट पूजा धो ली अपनी। अब वैसे तो ये खाने का टाइम था बट खाना थोड़ी लेट खा लेंगे, क्या दिक्कत है खाने का? कोई दिक्कत नहीं है, बस अब एक मेरी पुरानी वीडियो पड़ी है उसे एडिट करना है सबसे पहले, तो वो एडिट करूँगा और अपना यार थोड़ा सा ये नोट्स बनाने हैं मुझे कॉलेज के। तो भाई एग्ज़ाम में बता रहे थे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो पहले तो नोट्स बनाता हूँ। और जी जी देख लो, अगर आज ये ब्लॉग देख रहे हो ना आज, तो आप हर ब्लॉग में कहते हो कि तो और क्या कर सकते हैं, आज पूरे ब्लॉग में नहीं बोला। तो भाई अभी बैठा हुआ मैं एडिट ही कर रहा था बस, और इतना मतलब एडिट करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एडिट कर देता हूँ कि शाम तक व्लॉग आ जाएगा, क्योंकि यार हम बहुत लेट व्लॉग डालते हैं इस चक्कर में। तो सब कुछ मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले एडिट कर लेता हूँ फिर अपना काम करने बैठूँगा, क्योंकि एडिट ख़त्म करें मुश्किल से 1 घंटा लगता है एडिट करने में, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर एडिट हो जाता है अगर बैठे रहो काम करो तो उसके बाद अपना जाके मैं थोड़े से मुझे नोट्स बनाने वो भी बना लूँगा। बट मेरी एडिटिंग पूरी होने वाली है, अब ये व्लॉग डाल दूंगा मैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें बिना मत जाना, और जो चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय, मिलेंगे अगले व्लॉग में।